अगर आप यहाँ पे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं और उसका रिजल्ट कब निकलेगा, आप उसका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से दोस्तों, तो आपको YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियो भ्रामक करने वाली मिल सकती हैं जिसमें आपको रिजल्ट देखने का ऑप्शन जो है दिखा करके आपको वीडियो के पीछे कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो बस ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको सटीक जो है जानकारी देने वाले हैं किस तरी डेट को यहाँ पर जो है कक्षा 6 के रिजल्ट जारी किए जाएंगे नवोदय विद्यालय के। तो साथ ही दोस्तों इससे जुड़ी अन्य रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको एकदम सटीक और सही जानकारी ही आपको ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से ही सब कुछ दिखाता रहता हूँ। साथ ही आपको बताता रहता हूँ किस तरीके से आप अपने यहाँ पे रिजल्ट वगैरह देख पाएंगे, किस तरीके से आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्लास 11 की एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस का वीडियो है उसका भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, साथ ही उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि आखिर इसका एक अनुमानित डेट क्या है, कब जारी करेगा यहाँ पर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले, साथ ही पहली बार अगर विजिट करते हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम जो है 11 अगस्त को दिए थे, ऐसे में दोस्तों इतनी जल्दी जो है यहाँ पर यह संस्था रिजल्ट जारी नहीं करती। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर चेकिंग होने के बाद, यानी कि सारे रिजल्ट आपके यहाँ पे सब चेकिंग होने के बाद थोड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर आप सभी के रिजल्ट जारी हो गए। बट यहाँ पर अब इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समय कम होने के नाते रिजल्ट आप सभी के बहुत जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर अभी रिजल्ट जो जारी करने की संभावना समय सीमा जो बताई गई उसे आगे चल के देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का कक्षा 6 का रिजल्ट को जो है सितंबर 2021 में संभावित रूप से घोषित करेगी। यहाँ पर देखिए संभावित रूप है अभी ये, ना कि ये कंफर्म किया गया, और ना ही वेबसाइट के माध्यम से भी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। अगर आप नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल यहाँ पे देखिए वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ओपन करके रखा है, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख जाता है इस तरीके का, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तभी से होता है जब यहाँ पर कोई नया फंक्शन इनेबल किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन इनेबल जब हुआ था तो यहाँ पर वो बिलिंग करके शो होने लगा था, यहाँ से भी डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। उसी तरीके से क्लास 11 में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्लास 11, यहाँ पर जो दिया गया है उसके एडमिशन के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दिया गया। उसी प्रकार से अगर रिजल्ट जारी होगा दोस्तों तो आपका यहाँ पर भी उसी तरीके से सेम यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यही वेबसाइट विजिट करनी है navodaya.gov.in। तो इस पर देखिए इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद जो है आप अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखता है तो ही यहाँ पर आपका अपना रिजल्ट जो है उसी दिन आप समझ जाइए कि यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। उसका एक पीडीएफ फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसे हम कट कर देंगे, तो अगर आप चाहते हैं इसको जो है अंदर से देखना तो यहाँ पर देखिए आपको एक 3 डॉट का लाइन मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन आपको दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते चले जाना है, यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें चेक चले जाना है सीधे, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एडमिट कार्ड वगैरह भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ आंसर की के नीचे आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। अगर रिजल्ट जारी होता है तो आप इस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ से अगर रिजल्ट यहाँ पर निकलती है तो जो है आप उसे देख पाएंगे, देख सकते हैं रिजल्ट वगैरह का यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है दोस्तों, ये 23 पब्लिश डेट है, 23 जुलाई का है ये और 2021, और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप सभी का रिजल्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, और जिस डेट को जारी होगा अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा यहाँ पर डेट आ जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड के सामने आपको पीडीएफ फाइल इस तरीके से नजर आएगा। इस पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप पूरी लिस्ट जो है सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट की देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, लेकिन यहाँ पर अब रिजल्ट जो जारी होने की तिथि है वो अगस्त में भी हो सकती है, यानी कि अगस्त के लास्ट तक भी आपको 22, 23, 24 या फिर 28 तक यहाँ पर आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अगर इन अगस्त महीने में नहीं हुआ तो आपके जो है सितंबर महीने की पहले सप्ताह के अंदर ही आप सभी के रिजल्ट यहाँ पे घोषित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कहीं पर भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप डायरेक्टली जो है आप इस साइट पर विजिट करके इस रिजल्ट वाले ऑप्शन में आ करके देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो आपको जितना भी मैंने तरीका बताया दोस्तों आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो यहाँ पर इस ऑप्शन से भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो
जो है दोस्तों होम पेज पर जो है नोटिफिकेशंस होती है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर की जो आवश्यकता पड़ेगी अपना रिजल्ट देखने के लिए, तो इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड जो है संभाल कर रखें, तो उसमें जो आपका रोल नंबर है आप उस रोल नंबर के माध्यम से जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है GNBST 2001 क्लास 6 एंड लेस्ट 9 के, अगर यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप पूछेंगे तो इस पर भी आप कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो जो सटीक और सही जानकारी है दोस्तों आपका यही पे, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसी वेबसाइट को विजिट करना है और यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे शो होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो जिस तरीके से मैंने अंदर में जाकर के आपको बताया कि यहाँ से रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाकर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिछली परीक्षा का जो है एक प्रारूप है, जिस इस तरीके से आपको दिखाई देगा इस बार का जो है रिजल्ट, देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 19-20 यहाँ पर 21-22 लिखा हुआ नजर आएगा जब आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर के थ्रू आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से। तो फिलहाल दोस्तों अभी आपको क्या करना है कि ज़्यादा वीडियो भी नहीं सर्च करनी है यूट्यूब पर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सो दोस्तों अगर यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, आप लोगों के बीच अपने वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तब तक जो है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक एंड शेयर करना, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।